हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनु पटेल ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जो कि एक अनार की पाइपलाइन की फिटिंग कैसे की जाती है, पूरा ए टू जेड फिटिंग का पूरा प्रोसेस है। वीडियो लंबा बनने वाला है, वीडियो तकरीबन रहेगा 20 से 25 मिनट के भीतर रहेगा, तो वीडियो आप स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप करना चाहते हैं फिटिंग तो वीडियो देख के फिटिंग कर सकते हैं, फिल्टर से लेके एंड तक जो एयर वायल लगते हैं वहाँ तक पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया गया है। आप उसी टाइप से अगर करेंगे तो आप आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप फिटिंग करवाना चाहते हैं हमारी टीम की तरफ से, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, संपर्क करें, आपको विद इन 6 आवर्स में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और अगर हमारे नज़दीक के एरिया में हैं, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं जालौर ज़िले के अंदर है, तो हम आपको जल्दी से जल्दी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप मटेरियल पूरा ला के रेडी रखें, फिर हमें कॉल करें, हम आके फिटिंग का पूरा रहेगा। फिटिंग का जो भी चार्जेस रहेगा वो हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, वहाँ पे आके डिस्कस करेंगे कि कितना चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्जेस रहता है जो वायल कितने लगते हैं उसके ऊपर चार्जेस रहता है। तो 1000 पौधे का अगर फिटिंग करवाना चाहते हैं तो 3000 चल रहा है। उसमें अलग अलग रहता है कि जो खुदाई करने है कि वो आगे वाला अगर करके दे रहा है तो उनका कम रहेगा चार्जेस, और खुदाई भी हम करेंगे तो चार्जेस और ज़्यादा रहेगा। तो वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले अनार के 5 पार्ट के बारे में। जो हमने पहले जो वीडियो में बताया था वो हमने पूरे खड्डे खुदाई का, खाद बीज का, उसको पैक करने का वो प्रोसेसर, आज हम प्रोसेसर इस वीडियो में बताएंगे पाइपलाइन की खुदाई कैसे करें, खुदाई करने के बाद पाइपलाइन फिटिंग कैसे करें, फिल्टर वगैरह ऑल टू जेड प्रोसेसर, वो फिटिंग करने के बाद किस टाइप से पानी वानी पूरा चला के हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। हमने पाइपलाइन के लिए आज ही काम चालू किया है, तो पाइपलाइन की जो हमारा जो सामने से यहाँ तक का एरिया है वो है 440 फीट। 440 फीट का एरिया लंबाई है इसकी, और हम तकरीबन आधा फुट इसकी चौड़ाई खोदेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। गहराई रखेंगे 2 फीट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अनार के बीच में जब ट्रैक्टर रोटोवेटर लेके चलेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर से जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर ऊपर रहेगा तो पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास खुदाई करने वाले तीनों अपने टीम मेंबर ही है, बाकी हमने बाहर से कोई नहीं बुलाया है। तो क्योंकि अभी हम वीडियो शूट के लिए बाहर नहीं जा रहे, तो जो अनार का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद बाहर का वीडियो शूट करेंगे। तब तक के लिए पूरा अनार का ही प्रोग्राम ये चालू रखेंगे, और इसका पूरा शूट करने के बाद जब अनार लगेगा तब हम अनार लगाने का वीडियो शूट करने के बाद ही हम दूसरा वीडियो शूट करने के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए हमने यही पूरा काम ऑल टू जेड ओके करके आपको दिखाएंगे किस टाइप से होती है अनार की खेती। तो वीडियो आप पूरा देखें, ये हमने इसकी गहराई 1.5 से 2 फीट तक है, खाई इसकी जो गहराई करने के लिए हम बाहर से कोई नहीं बुलाए, हमारे सब टीम मेंबर ही है, बाकी कोई नहीं। आज हम पाइपलाइन का पूरा काम चालू किया है, तो हमने सामने से लेके यहाँ तक पूरी पाइपलाइन बिछा दी है, और कटिंग वटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद पूरा फिटिंग करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, अभी जो हमने कटिंग किया ये लास्ट में है, जो एयर वायल लगते हैं और इसमें जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकाला जाता है, तो इसमें से
ये लगे हैं कौन कौन आया था? कटिंग करके सब रखे, सॉल्वेंट वगैरह, लगभग और हाल तो दोनों मेरे और लाइन में शौक है, बिछा दी हैं। तो मैं आप फोन वीडियो करूंगा ठीक में है, मिल बने जाएंगे रहे, जो तो आप हम बता आपको देंगे। दिखाएंगे पूरा प्रोसेसर। तो ललित ने मेल इसको सॉल्वेंट लगा दिया, सॉल्वेंट लगाने के बाद जो ये लास्ट में लगता है एयर वाल, वो इसके ऊपर फिटिंग अभी करेंगे। करूंगा, फिटिंग करने के बाद इसका काम कितने हो गया। ये एयर एयर वाल 4 लगेगा, 4, 2 सेंट, एक बीच में, एक वो साइड लास्ट में, और एक इधर, 2 सेंटर में। तो आप हमारा वीडियो ज़रूर पूरा देखें लास्ट तक, ताकि अगर आप अनार की पाइपलाइन फिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो देख के कर सकते हैं पूरा। कितने हज़ार बीघा हो पौधों की जाएगी? पाइपलाइन है, कंप्लीटली हम आपको लगा के दिखाएंगे, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। एक बैंड लगाया एल, हमने 2 के पाइप लिए 25 और 2.5 के पाइप लिए 20। तो ये पाइप आए हैं, इसकी लेंथ हो गई है 400, लगभग 35 फुट की लेंथ हो गई है। इसमें भी वायल वगैरह लगे नहीं है, लगाएंगे, लगाने के बाद आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। आप वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें वीडियो। हम कैसे इसका हॉल करते, किससे उसको कनेक्ट करते, पूरा प्रोसेसर A to Z। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि पाइपलाइन फिटिंग का है, इसलिए। अभी हम 2 के पाइप के हॉल करेंगे, वीडियो पसंद आए तो जो लाइक कर अंदर से दे। नली बाहर आती है पानी के लिए, उसका हर एक, जो अनार का पौधे की जो लाइन है, हर एक लाइन में 6 नली लगाएंगे, एक नली एक्स्ट्रा रखेंगे। बाकी आप जितनी करना चाहे उतनी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ड्रिल का सिस्टम है नहीं, हाथ से ही कर रहे हैं। अगर आपके पास अगर ड्रिल सिस्टम है तो आप ड्रिल से कर सकते हैं, दोनों सिस्टम अवेलेबल है इसमें। हॉल करने के बाद इस हॉल में एक ब्लैक कलर का एक रबड़ लगेगा, वो रबड़ लगने के बाद पानी यहाँ से लीकेज बिल्कुल नहीं होगा। तो हम आपको जितने भी हॉल किए उतने आपको दिखाते हैं। ये हमारे जो लाइन का काम कर रहे हैं, ये हमारे वैसे भाई हैं, ने किसी को बाहर से तो बुलाया है नहीं, क्योंकि उनको पता है ये सब फिटिंग करने का। अभी ये ब्लैक कलर का रबड़ लगेगा, ये रबड़ इसीलिए लगाया जाता है कि पानी यहाँ से लीकेज बिल्कुल ही नहीं होगा, एक बूंद भी ये नहीं गिरेगा। रबर धीरे से लगाना चाहिए, व्यवस्थित, फिर इस पे नली लगेगी, नली लगने के बाद पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। ये देखो मैंने रबर लगाए और फिर इस पे नली लगेगी, वो नली जाएगी ड्रिप में, ड्रिप के लिए होगा ना पड़े। तो ये हम रबर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी लीक नहीं हो। इस पे एक और लगेगा वो जॉइनर, जॉइनर लगाने के लिए यहाँ पर रबड़ लगाना पड़ता है। रबड़ लगाने के बाद पानी लीक नहीं होगा, इसके ऊपर जॉइनर लगेगा। हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, एक दो और हैं वो आगे नली लगा रहे हैं वहां पे। ये जॉइनर लगाने के बाद एकदम फिटिंग होगी नली, इस पे नली लगेगी, उसके बाद पानी बिल्कुल भी पास होकर नहीं निकलेगा। मारवाड़ी बोलो या वहां पर कट नहीं गया उसमें।
देखो ये रबर लगाने के बाद उसके ऊपर एक जॉइनर लगता है, वो एक जॉइनर रबर लगने के बाद वो जॉइनर लगेगा, ये जॉइनर इसमें धीरे से लगाना है, ज्यादा वजन भी नहीं देना है क्योंकि ज्यादा वजन देने पर ये रबर अंदर चला जाता है। तो धीरे से ये लगाने के बाद ये उसके ऊपर नली लगेगी और नली को बंद करना है। यदि आपको नली को बंद करना है तो फिर एक ऐसा बंद करने के लिए क्लिप आएगा और क्लिप ऐसे लगाने के बाद नली को ऐसे मोड़ देना है, मोड़ देने के बाद ये क्लिप ऐसे फिट कर देना है, फिर वो नली बंद हो जाएगी। फुट खाई खोदी हुए 3 फुट खाई के अनुसार हम ये नली काटेंगे, नली काटने के बाद उसके ऊपर लगाई जाएगी। हम ये 3 फुट खाई खोदी हुई है, 3 फुट में ये हम लाइन बिछाएंगे, पूरी लाइन के अनुसार हम ये नली काटेंगे। नली ये 3 फुट काटनी चाहिए क्योंकि 3 फुट काटने से आधा फुट बाहर रह जाएगी। आधा फुट बाहर रह जाने के बाद आगे जो जॉइनर लगेगे उस पर एक और जॉइनर लगेगा। जॉइनर लगने के बाद जो आगे नली हम फैलाएंगे जितनी सही है उतनी नली फैला सकते हैं, कोई भी जाए जैसे कि दाड़ में कोई भी पौधा पाओ उसमें नली फैलाने के लिए हम काटेंगे आगे। फिर उस पे नली लगती है अलग था, यहाँ से हम भी ले सकते हैं लेकिन ये धूल में रेत में अंदर जाएगी इसलिए हम यहाँ से नहीं लेते, इसके ऊपर एक 3 फुट का अलग से टकड़ा लेना पड़ता है। हम ये यहाँ पर नलियां काट रहे हैं, 3-3 फुट के टुकड़े कर रहे हैं। कुछ नलियां हमारे वेस्ट भी हो गई है क्योंकि थोड़ी छोटी कट गई है, इसलिए बाकी ये नलियां फिक्स 3 फुट जैसे वो खाई के अनुसार हम नलियां काटते हैं। खाई 3 फुट हो जैसे कि 3 फुट नहीं हो 2.5 फुट हो तो 2.5 फुट के टुकड़े में कटनी चाहिए, 2.5 फुट ना 3 फुट खाई है तो 3 फुट के हिसाब से काटनी चाहिए। हमारी ये नलियां ज्यादा वेस्ट ही हो गई है क्योंकि इनको मालूम नहीं था, इसलिए फिर मैंने आके चेक किया है यहाँ पे तो फिर इनका बोल दिया है कि 3 फुट नली काटे। और लाइन के पीछे और इस लाइन के पीछे अंत में जैसे कि ये लाइन के पीछे जहाँ पे ये लगेगा एयर वायल बोले तो यहाँ पे जो लाइन में कोई कचरा वगैरह है इसलिए यहाँ पे एयर वायल लगेगा, उसके ऊपर पानी निकालने के लिए एयर वायल खोला जाएगा, यहाँ से कोई भी कचरा वगैरह बाहर निकल जाए इसलिए यहाँ पे एयर वायल लगेगा ही। यहाँ से ये खोला जाता है, एयर वायल खोलने के बाद कचरा निकलने के बाद हम वापस ऐसे फिट करेंगे जो पानी नहीं निकल सके ताकि पूरा टाइट कर ले। ओके अभी हमने दो की पाइपलाइन दे नली वगैरह पूरा जॉइंट कर लिया है, करके अभी हमने इसमें डाल दी है। अभी अभी हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद वायर लगेगा तो आप वीडियो स्किप ना करें, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो आप अगर करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, पूरा प्रॉपरली समझ में आपको आएगा। हमने 3-3 नली लगाई है, आप चाहे इतनी कर सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। ये एयर वायल है, बीच में नहीं लगेगा, कॉर्नर कॉर्नर में ही लगेगा।
हम वायल इधर लगाएंगे, 4 वायल लगाएंगे। आप अगर ज़्यादा पौधे हैं 2025 सौ, तो आप उसी हिसाब से वायल लगाएंगे। और वायल लगाने की टेक्निक एक जैसी है, वो अभी हम यहाँ पे वायल लगेगा जो 2 लाइन आई है, इसके आगे एक ही लाइन है, 2 की, 2.5 की यहाँ तक ही आई है, इसके आगे 2 की लाइन है। और हम सबसे पीछे जो आपको दिख रहा है जहाँ पाइपलाइन ख़त्म हुई है, वहाँ पे एक एयर वायर लगाएंगे, वो भी आप देखना, वीडियो पूरा देखें। अभी हमने दोनों लाइन इस टाइप से डाल दिया, 2.5 का और 2 का। 2.5 का लाइन पानी सप्लाई के लिए है, 2 का लाइन में हर नली लगाया है। और अभी खाई के अंदर डालने के बाद आप दोनों लाइन जमीन से एकदम टच रखेंगे, ऊपर नीचे ना होना पाए। अगर ऊपर नीचे रहा तो वहाँ पे फूटने का चांस हो सकता है, तो आप एक बार और पाइप के ऐसे ऊपर अगर चलेंगे, तो अगर कहीं पे भी अगर ऊपर रहेगी तो आप वहाँ से पेटी वगैरह निकाल के उसे लेवल कर सकते हैं, लेवल बिठाएं। लेवल बिठाने के बाद ही इसे ऊपर रेत डालें, ताकि एकदम सही तरीके से ये लाइन बैठ जाए। अभी हम जो पाइपलाइन के एंडिंग में वहाँ पे एयर वाल लगता है, वो एयर वाल लगाएंगे। तो आप देखिए एयर वाल कैसे लगाते हैं। एयर वाल इसीलिए लगाते हैं कि जो भी एयर अगर रहेगा तो वो यहाँ से आके हम निकाल सकते हैं, और जो भी वेस्टेज रहेगा, कचरा वचरा अगर लाइन में आए, वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले आप दोनों साइड में गम लगा दें, पाइप में और एल में, दोनों में गम लगा के अच्छी तरीके से फिटिंग करें, क्योंकि अगर बाद में अगर ये निकल गया तो आपको वापस खड्डा ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद वापस फिट करना पड़ेगा, और एल पूरा वेस्ट होएगा, वापस ला के नया डालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से दोनों साइड में गम लगा के एकदम सीधा सही लेवल, और नली की जो साइड है वही साइड में इसको सीधा रखें, इधर उधर बिल्कुल ना रखें। और ये जब फिटिंग करते हैं, दो आदमी की ज़रूरत पड़ती है, एक सामने रहना पड़ता है और एक यहाँ पे, ताकि इसको धक्के से फिटिंग किया जाता है। ये फिटिंग हो चुका है, हमने एयर वायल का पाइप का लेंथ लिया है लगभग 2 से 3 फीट के आसपास। आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मेरा माने तो लगभग 2 फुट ही काफ़ी है, उनसे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2 फुट भी बहुत ही ज़्यादा हो गया। हमने ये लिया है, ये 2.5 फुट के आसपास है, आप देख सकते हैं ज़मीन से कितना बाहर है। तो आप भी इतना लेके रखें। हम सबसे पहले ये 2.5 की लेन कटिंग करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा है। तो अंता भी देख लो, देख लो, थोड़ा खींच लेते, कट करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा खींच लो। मेरे बट मेरे गए बड़े वो का बस। ओके 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 ओके, डन। कटिंग करने की जरूरत है नहीं, अब कटिंग करने की जरूरत है नहीं। हम यहाँ पे 2.5 का एल लगाएंगे। हम सबसे पहले कहाँ पे गुज हेवी स्टिक गम कहाँ पे गया, गम कहाँ पे गया, हम इस पे गम लगाएंगे दोनों साइड। गम लगाने जा रहे हैं, हवा भी बहुत है इसलिए रेत भी आ रही है। फिर 2.5 का एल, इससे भी थोड़ा गम लगाएंगे। अगर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें माफ करें, दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, ये दोनों साइड गम लगा लिया है हमने। एक जनाओ हमें
जोर से धक्का लग, कितना बस करें। ओके। गम लगाने के बाद ये फिट हो गया है। फिर हम एक टुकड़ा लेंगे दही का, आप ये कटिंग करो जमीन के हिसाब से, इसे कटिंग करना क्योंकि जमीन का लेवल देखिए कट किया जाता है। माटी लाग जाएगी रोज घनो बाने रही है। अकेले ने ढाई, अभी हमने ढाई की लाइन पे टी लगा दी है और जमीन के ऊपर रखा है 1.5 फुट, इससे ज़्यादा नहीं लिया। आपके खाई के हिसाब से आप रखे ऊपर, आप जितना चाहे उतना रख सकते ऊपर, हमने इतना ही लिया है। गम आप दोनों साइड में लगाए ताकि हर बार ये काम नहीं होता है, क्योंकि एक ही बार ये काम आता है। अभी इसमें हमने बिठा दिया है ये जॉइनर, जॉइनर बिठाने के बाद इसमें अभी दो की लाइन कनेक्ट करेंगे, दोनों साइड में बिठाएंगे। आज एक्चुअली धूप बहुत ज्यादा है तो आप, अभी हमने टी का सिस्टम लगा दिया है, अभी मोबाइल लगा रहे हैं। तो अभी हम दो का पाइप कट करेंगे, दो का पाइप कट करने के बाद वायर सिस्टम लगेगा। दो के पाइप के छोटे छोटे दो टुकड़े लिए हैं, दोनों साइड टी में लगेंगे। वो देखल देखल मो तो बैठो नहीं ले, हाँ हाँ देखल मैं तो कौन छोपड़ा रखा हूँ देखल अंदा। दोनों साइड में दो टुकड़े लगाएंगे, एक थोड़ा बाहर रह गया है। आप ध्यान से बिठाए, मैंने जो बूस्ट बिठाया था वो थोड़ा बाहर की साइड में निकल गया है, टाइट नहीं करना पड़े। अभी वायर बिठाएंगे, खोल गई है, जीरो जी लगा चुका अंठान। बस ओके ओके ओके, नहीं तीर अंतर से ना, नहीं तीर अंतर आप निकाल सकते हैं, निकाल के वापस वायल को घुमा के फिट कर सकते हैं। अगर आपको उल्टा लगे कि वायल उल्टा लग गया है तो आप वापस यहाँ से काटना मत, क्योंकि वेस्ट होएगा। दोनों साइड वाल खुलता है, दोनों साइड को थ्रेड का सिस्टम दिया हुआ है, खोल के वापस वाल घुमा के वापस फिट कर सकते हैं। और एक दो का टुकड़ा लेंगे, दो वाल के दोनों साइड लगाने के लिए, क्योंकि दो वाल लगेगा। दो और फिट करेंगे, दो का ही पाइप है ये भी, दोनों साइड में
उसके ऊपर एल लगेगा। और एक दो का टुकड़ा लेंगे, दो का टुकड़ा इसलिए ले रहे कि वायर से कनेक्ट करके एल लगा के जो नली में पानी जाएगा उसके लिए ले रहे हैं। किया इसका भी दो पीस टुकड़ा करेंगे, दोनों साइड के नीचे जाएगा इसलिए। पहला बटे वीडियो इसे क्या है कौन सुन मोदू जो आप ये एल लगाने के बाद जो यहाँ से कनेक्ट करोगे ना तो वो पहले मत करना ऐसे ही, क्योंकि होएगा नहीं, क्योंकि पाइप इतना लंबा खींचा नहीं जाएगा। पहले आप यहाँ से ओपन करके, ओपन करने के बाद ये फिटिंग करें और बाद में वापस इसे फिटिंग कर सकते हैं थ्रेड के जरिए, क्योंकि इसमें थ्रेड रहता है। तो आप इस टाइप से फिटिंग करना। इस टाइप से फिटिंग कर सकते हैं या वापस से टाइट करें। बड़े दूर मान ली लाभ मुड़ियो कसा
અધરું તરશું, બસ થોડું થોડું તરશું રાખીએ, પછી સીધું પ્લે કરે. સો ગાઈઝ, અભી હમને પૂરા પાઇપલાઇન કા ફિટિંગ કર દિયા હૈ, તો આપ મેં આપકો ફિટિંગ કા વિડિયો આપને પૂરા દેખ લિયા હોગા. અભી મેં વાપસ એક બાર પૂરા જો ફિટિંગ કિયા ઉનકા દિખા રહા હું કે પાઇપલાઇન ફિટિંગ કૈસે હોતી હૈ. હમને 1000 પૌધોં મેં 4 વાયલ લગાએ હૈ. અભી યહાં પે 2 વાયલ હૈ, દોનોં વાયલ કા સિસ્ટમ જો આપ લેફ્ટ મેં દેખ રહે હૈ વો ઇન નલિયો કે લિયે હૈ, રાઇટ મેં હૈ વો ઇસ તરફ નલી કે લિયે હૈ. ઓર हमने हर पॉइंट पे 3 नली रखी हैं. हम चाहे जितनी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं. यहाँ पे 2 एयर वायल हैं, जो आपको लेफ्ट वाला दिख रहा है वो इन नली के लिए हैं, राइट वाला दिख रहा है वो राइट नली के लिए. यहाँ पे 2 पाइपलाइन है, एक 2 की है, एक 2.5 की है. 2 की लाइन में नली लगी हुई है, 2.5 की लाइन में पानी की सप्लाई. आप अगर फिटिंग करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमने 2 वायल लगाए हैं. जो लेफ्ट वाला वायल है वो लेफ्ट की नलियों में, जो राइट वाला है वो राइट की नली में. और हमने 2 वायल और लगाए हैं, ये हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, हर जगह ये नहीं होते, ये हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं. यहाँ पे 2 वायल लिए हैं, जो लेफ्ट का जो वायल है वो पूरा सिस्टम ऑन ऑफ करता है. जो नली आप लास्ट तक दिख रही है वहाँ तक ऑन ऑफ नहीं से होगा. जो राइट में दिया हुआ वायल वो हमने एक्स्ट्रा लगाया कि एक्स्ट्रा कहीं अगर कनेक्शन देना है तो, नहीं तो इसे हम बंद रखेंगे. यहाँ पे हमने मीटर लगाए हुए हैं, मीटर की फिटिंग की पूरी. यहाँ पे जो बोरवेल से पानी आएगा यहाँ पे हम एक बार एक कनेक्टर लगाएंगे, वो भी लगा नहीं है. लगाने के बाद इधर से बोरवेल से पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, 3 की लाइन से फिल्टर में पानी आएगा, फिल्टर पानी ओके यहाँ से नली में सप्लाई होगा. तो आप ये पूरा सिस्टम फिटिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं. इसका फिटिंग चार्ज है, अगर आप 1000 पौधों की फिटिंग करवाना चाहते हैं 4 वायल में, तो 1000 पौधों का 2500 रुपये चार्ज है, और उनसे अगर ज़्यादा हैं तो उनका चार्जेस अलग है. तो और भी ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो जो भी रहेगा वो हम आपको वहाँ पे मिल के बताएंगे. सो गाइज, अभी हमने पूरा प्रोजेक्ट एकदम रेडी कर दिया है. अभी हमने नली वली सब डबल नली लगा दिए हैं. अभी हमारा प्रोजेक्ट काम कंप्लीट हो चुका है. आप नली देख सकते हैं, हमने नलियाँ लगा दी हैं पूरी ऑल टू जेड. आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा. तो वीडियो लंबा बनना है, जो वीडियो लंबा इतना बना है वो पूरा आप देखोगे तो ही समझ में आएगा कि पाइपलाइन कैसे लगाई जाती है अनार के लिए. अगर स्किप करोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा किस टाइप से लगती है, किस टाइप से लगाई जाती है.
माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे हर रोज। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है जो कि दूसरी जगह हम पाइपलाइन फिटिंग करने के लिए गए थे, वहाँ का भी एक वीडियो बना के हम डालेंगे, वो भी आप देखना। वो थोड़ा अलग फिटिंग है और जो हमने इस वीडियो में बताया था वो अलग फिटिंग है। दोनों फिटिंग दोनों सेम है लेकिन अलग अलग की है, क्योंकि हमने जो इस वीडियो में बताया वो फिटिंग है अनार की, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फिटिंग है बूंद बूंद की, जो कि हर एक फसल में वो काम आती है, और अनार की फिटिंग है वो खाली अनार में ही काम आती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तब तक के लिए जय हिंद।